हाँ वापस शुरू करते हैं फिर से, ठीक है, चौथी पांचवी बार तो हो गया। ये रॉड था, रॉड को इस एंड पे हमने हिंज कर दिया था और यहां से ऐसे रोटेट कर सकता था ये। हमने रॉड को हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ा था तो क्या हुआ था, रॉड ऐसे गोल गोल घूमता घूमने लगा था। क्यों? क्योंकि इस पे एमजी इधर लगने की वजह से टॉर्क कैसे लग रहा है हिंज के अबाउट, बताओ तो टॉर्क का डायरेक्शन कैसा है? क्या टॉर्क का डायरेक्शन ऐसा है? आया ना अंदर की तरफ है। इस वजह से इसके पास एंगुलर वेलोसिटी ऐसी आई जिसका मतलब एंगुलर मोमेंटम किधर आया, आई ओमेगा वेक्टर। टॉर्क किधर आया, तो एंगुलर मोमेंटम भी इधर ही आया, है ना? समझ में आई बात? क्योंकि टॉर्क क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जिधर वेलोसिटी होगी उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा, जिधर एक्सेलेरेशन होगा उधर ही वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना। वेलोसिटी में चेंज उसी डायरेक्शन में आएगा ना जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होगा। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, एक सर्कुलर मोशन में, ध्यान दीजिएगा बेटा, एक सर्कुलर मोशन में जो कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से है, इसमें पार्टिकल की वेलोसिटी किधर होती है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में, है ना? पोजीशन क्या है? ये रेडियस वेक्टर, ठीक है? तो वेलोसिटी जो है वो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से रेडियस वेक्टर गोल 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 घूम रहा है ना? रेडियस वेक्टर देखो कैसा हो रहा है, रेडियस वेक्टर के साथ ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, गोल 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 गोल। आया ना? इस तरीके से रेडियस वेक्टर है, यहां से फिक्स्ड है, इस तरीके से गोल 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 गोल, कुछ दिख नहीं रहा आप लोगों को, इस तरीके से गोल 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 रेडियस वेक्टर घूम, है ना? क्योंकि इसका रेट ऑफ चेंज क्या है, परपेंडिकुलर है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में रेडियस वेक्टर घूम रहा है, ठीक है? जैसे रेडियस के लिए वेलोसिटी है वैसे ही एंगुलर मोमेंटम के लिए टॉर्क है ना? ओके, तो जिस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम होगा, तो जिस डायरेक्शन में टॉर्क होगा उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होगा, है ना? जैसे पिछले केस में क्या हो रहा था, रॉड इस एंड पे हिंज था, टॉर्क ऐसे लगा अंदर की तरफ, तो एंग्लो मोमेंटम में चेंज भी अंदर की तरफ आया, है ना? एंग्लो मोमेंटम में चेंज भी अंदर की तरफ आएगा, इसका ओमेगा ऐसे हो जाएगा, मतलब टॉर्क अंदर की तरफ है, तो एल वेक्टर भी अंदर की तरफ आया, ठीक है? कोई दिक्कत? ओके, अगर मैं एक केस लूं जिसमें एक एक्सल पे एक व्हील माउंटेड है, ठीक है, इसको रस्सी से मैं इधर से बांध दूं और यहां से लटका दूं, अगर इसको मैं छोड़ दूंगा तो क्या होगा, ये ऐसे गिर जाएगा, आया ना? ये ऐसे गिर जाएगा। क्यों सर? इस पे इस पॉइंट के बाद देखेंगे तो एमजी नीचे लगा, टॉर्क अंदर की तरफ लगा, है ना? टॉर्क अंदर की तरफ लगा तो एंगुलर मोमेंटम भी अंदर की तरफ आएगा, या एंगुलर मोमेंटम में चेंज अंदर की तरफ आना चाहिए, डेल्टा एल वेक्टर अंदर की तरफ आना चाहिए, है ना? समझ में आई बात? जैसे इसमें वेलोसिटी, तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम कितना था? जीरो। इनिशियली एंगुलर मोमेंटम कितना था? जीरो। जीरो एंगुलर मोमेंटम होने की वजह से, जीरो एंगुलर मोमेंटम होने की वजह से जिस डायरेक्शन में चेंज आएगा एंगुलर मोमेंटम में, उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम भी आएगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम आएगा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ एंगुलर मोमेंटम आने के लिए ओमेगा कैसा आएगा, ऐसे, है ना? समझ में आई बात? कोई दिक्कत? पर अगर मैं
अगर मैं इसी केस में एक काम करूं कि इस पहिए को, जो कि कुछ ऐसा है, इस पहिए को अगर मैं इस तरीके से घुमा दूं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, अगर पहिया ऐसे घूम रहा है तो पहिए का एंगुलर मोमेंटम किधर आ जाएगा? देखो तो इधर आया एंगुलर मोमेंटम, ये एल इनिशियल वेक्टर है ना, या सिंपली एल वेक्टर बोल दो इसको, ठीक। अगर ये एल वेक्टर है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैसे लग रहा है? एमजी तो अभी भी नीचे लग रहा है, तो टॉर्क कैसा लग रहा है देख लो जरा, अंदर की तरफ लग रहा है कि नहीं लग रहा? राइट हैंड थंब रूल लगा के देख लो, आ रहा है अंदर की तरफ टॉर्क, है ना? पिछली बार एंगुलर मोमेंटम जीरो था, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था? जीरो था, इसलिए जिस डायरेक्शन में टॉर्क लगा उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम आ गया, ठीक है। पर इस बार इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो नहीं है, पहले से एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में है और टॉर्क लगा है अंदर की तरफ, ठीक है। तो अगर मैं टॉप व्यू देखूं तो ये रहा आपका एंगुलर मोमेंटम, और टॉप व्यू देखने पे टॉर्क आया इधर की तरफ, है ना, ऊपर से देख रहा हूं मैं, समझ में आई बात? तो डीएल छोटा सा चेंज इन एल वेक्टर किधर आएगा? डीएल वेक्टर होगा, वो किधर आएगा? इसी डायरेक्शन में आएगा, टाउ इनटू डीटी, दैट मींस एंगुलर मोमेंटम उधर की तरफ मुड़ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम में ये वाला डीएल वेक्टर जुड़ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम ऐसा हो जाएगा, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे 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 घूमने लगेगा, टॉप व्यू में ऐसे घूम रहा है, मतलब यहां सामने से देखने पे कैसे घूमेगा एंगुलर मोमेंटम? कुछ ऐसे, है ना, समझ में आई बात? देखो ना, एल वेक्टर इधर है, टॉर्क अंदर है, तो एल वेक्टर अंदर जाएगा ना, जिधर टॉर्क होगा एल वेक्टर उधर ही मूव करेगा ना। जैसे यहां पे क्या था, जिधर वेलोसिटी था रेडियस वेक्टर उधर ही गया, वैसे ही घूमा, वैसे ही जिधर एल वेक्टर है, सॉरी जिधर टॉर्क वेक्टर है एल वेक्टर उधर ही जाएगा, है ना। इसका मतलब आप अगर इसको रिलीज कर दोगे तो ये गिरेगा नहीं, ऐसे गोल 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 घूमने लगेगा। आजकल टीवी पे, यूट्यूब पे, कई जगह आप लोग देख चुके हो ये, बट जब हम लोगों ने पहली बार देखा था हमारी आंखें खुली रह गई थी कि क्या चल रहा है। ये भैया मैंने घुमा दिया, अच्छा सॉरी, इसको मैं अगर ऐसे पकड़ के सीधे छोड़ दूं तो क्या होने वाला है बताओ? गिरने वाला नहीं, सीधे आया ना, सीधे गिर जाएगा, गिरा के देखें सीधे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, छोड़ते हैं, गिर गया, यही एक्सपेक्टेड था, यही एक्सपेक्टेड था ना। अब एक काम करते हैं, इसको गोल गोल घुमा दिया, टांग दिया, और अब छोड़ के देखते हैं क्या होता है। गिरा नहीं? गिरा ना, गोल गोल घूम रहा है, समझ रहे हो फिजिक्स का जादू? हाँ, आप सोच भी सकते थे बचपन में कि ऐसा कभी हो सकता है, इसको छोड़ देंगे और ये गिरेगा नहीं, ऐसे गोल गोल घूमने लग जाएगा उल्टा? सोच सकते थे? नहीं ना, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो ये वो जगह है जहां पर फिजिक्स जो है आपके इंट्यूशन से आगे निकल जाता है। अब देखते हैं यहां पे प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। ये ऐसे घूम रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम उस तरफ है, एंगुलर मोमेंटम इस तरफ है, टॉर्क किधर लग रहा है? एमजी उधर, तो टॉर्क उधर लग रहा है, एल उधर, ये तो गुजागादार घूम रहा है, मैं तो फॉलो भी नहीं कर पा रहा हूं, बट एल इधर है, टॉर्क उधर है, तो देखो एल साथ साथ फॉलो कर रहा है टॉर्क को। जैसे जैसे ये स्लो होगा वैसे वैसे देखोगे कि धीरे 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 करके गिर जाएगा, और आपको ये दिखने में स्ट्रेंज लग रहा है, बट आप सब ऐसी इसके सिमिलर फेनोमेना बचपन से कई बार देख चुके हो, शायद जब ये टेढ़ा हो तब आपको फील आए। नाम बताऊं? लट्टू।
समझ में आया? लट्टू ऐसे ही काम करता है ना। अब रुक जाता हूं, हाथ दर्द कर रहा, बहुत भारी है। ठीक है, इस फंडे को क्या बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, प्रिसिशन। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रिसिशन। भाई ऐसा दो चार क्लास ले लूंगा तो मेरी वजन तो घमी हो जाएगा पक्के से, जो भी है। तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वजह से आपने ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फेनोमेना देखा है ना। इसका यूज बहुत सारे हैं। एक यूज पता है इसका क्या है? इसका एक यूज है कि आप गोली चलाए हो? अभी नहीं चलाए होगे, मैंने भी नहीं चलाई, मैंने चलाई है बट हमने एनसीसी मेले में चलाई, वो उसको गोली नहीं कहते हैं। ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया बॉर्डर पे तो भैया वही वाले बंदूक लेके ठक ठक कर रहे होंगे, है ना। हाँ हाँ, असली का भी चलाए हैं बट वो भी प्रैक्टिस में ही थी, मतलब जो भी है। पर मैं ये कह रहा हूं, वैसे तो बंदूक कई तरीके की आती ना, बहुत सस्ती भी आती है, बहुत महंगी भी आती है, कट्टा भी आता है जो हाथ में फट जाता है ना। तो जो अच्छी वाली बंदूक होती है, थोड़ी अच्छी वाली, अच्छी क्वालिटी की, उसकी बुलेट कैसी होती, गोल होती क्या? कट्टे की बुलेट तो एकदम गोल होती, स्फेरिकल, तो बॉल की तरफ बॉल मार देते हैं आपको, खत्म। लेकिन वैसे आपने देखा होगा बुलेट का शेप कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। अब मैंने बहुत अच्छी ड्राइंग तो नहीं है बट कुछ ऐसा ही बुलेट। आपका जो अच्छी क्वालिटी का बंदूक होता है ना, वो बुलेट को ऐसे फेंकेगा तो ये बुलेट सीधे चली जाएगी। आप बुलेट को मान लो पकड़ के ऐसा फेंक दोगे तो बुलेट स्ट्रेट चली जाएगी? नहीं जाएगी ना, वो हल्की सी हवा इधर उधर चली, वो पूरा गोल गोल घूमने लग जाएगा, अजीब तरीके से टकराएगा, पता चला यहां टारगेट है, बुलेट यहां पे परपेंडिकुलरली टकरा रही है उससे। ये ना हो इसके लिए क्या करते हैं, आपकी जो अच्छी क्वालिटी की बंदूक होती है इसको ऐसे घुमाकर फेंकती है, ठीक है, जिससे इसके पास एंगुलर मोमेंटम आ गया इस डायरेक्शन में। अब हल्के फुल्के टॉर्क से वो घूमेगा नहीं, गिरेगा नहीं, वो स्टेबल रहेगा, स्टेबली स्टेबिलिटी के साथ आगे जाएगा। ये तो मैंने बहुत वैसा कॉन्सेप्ट बता दिया, बड़ा कॉन्सेप्ट बता दिया, बहुत छोटी चीजों में इसका यूज होता है। साइकिल, खड़ी साइकिल को आज तक बैलेंस कर पाए? साइकिल चलाना तो आता है ना, खड़ी साइकिल कैसे बैलेंस्ड है, और जो सॉरी खड़ी साइकिल क्यों नहीं बैलेंस हो रही और चलती साइकिल क्यों बैलेंस हो गई? सेम यही जो है ना, आपको टायर घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम की वजह से बैलेंस्ड है, वो गिर नहीं सकता। समझ में आई बात, हल्के फुल्के टॉर्क से वो गिर नहीं सकता, टर्न कर सकता है। और ये चीज मैं ये नहीं मानता, सब बोल रहा हूं सब लोगों को पता होगी, बट कई लोगों को पता होगी, उन लोगों ने, उन नालायकों ने, उन नालायकों को पक्के से पता होगी जिन लोगों ने हैंडल छोड़ के साइकिल चलाई है। कितने लोग हैं जिन्होंने हैंडल छोड़ के साइकिल चलाई है, रेज योर हैंड। हाँ अच्छा, अब इसमें से भी कुछ ज्यादा स्किलफुल लोग होते हैं जो हैंडल छोड़कर सिर्फ साइकिल चलाते नहीं है, साइकिल को मोड़ भी लेते हैं, है ना। हुआ है कभी ऐसा? नहीं किया, मैं बता रहा हूं ऐसा होता है, मैं खुद बहुत बार किया हूं। तो लेकिन वो सब तब तक था जब तक मैं टेंथ में था, उसके बाद नहीं किया मैंने, इलेवंथ में आने के बाद नहीं करते ऐसे काम, ठीक है। आप लोग बड़े हो गए, आप लोगों को नहीं करने चाहिए, टेंथ तक के बच्चे कर ले कोई बात नहीं। तो उसमें साइकिल को टर्न करने का एक सिंपल सा तरीका होता था, हल्का सा झुका दो अपने आप टर्न कर जाएगी, हल्का सा झुका दो अपने आप टर्न कर जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप हल्का सा झुकाओगे टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगने पे जैसे ये टायर घूमा था वैसे आपकी साइकिल भी घूम जाएगी। गिरा नहीं था टायर पर घुमा तो था ना, सेम फंडा है। समझ में आई बात?
जैसे टॉर्क लगाओगे वो टर्न कर जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात। तो बहुत सारे यूज है इस सिंपल से कॉन्सेप्ट का जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम। आजकल क्या, कुछ सालों से ही एक चीज बनती है, बना रहे लोग सेल्फ बैलेंसिंग बाइक, सेल्फ बैलेंसिंग बाइक। उसमें क्या होता है, यही फंडा होता है, एक और चीज होती है जो घूम रही होती है, इसका एंगुलर मोमेंटम इतना होता है कि वो साइकिल को गिरने नहीं देता, वो साइकिल खड़े खड़े भी स्टेबल रहेगी, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम के बारे में, फंडा समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम क्लियर है, टॉर्क वगैरह सब क्लियर है ना। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उस पर। तो उस क्वेश्चन की कैटेगरी में सबसे पहली चीज क्या है, पुली विथ मास। ध्यान दीजिए बेटा, क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, पुली विथ मास। इसमें जो मैंने अभी अभी बताया आपको, उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है, इसका बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, एकदम आसान आसान से, लल्लू लल्लू से इसको अपन लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए, ये आपके पास पुली है जिससे दो मास लटक रहे हैं M1 M2। मान लो आपको दे रखा है कि M1 इज ग्रेटर देन M2, ठीक है। अगर मैं इस सिस्टम को रिलीज कर दूंगा तो ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना होगा ये बताना है, ठीक है, समझ में आई बात। तो देखिए, अगर मैं इसको छोड़ता हूं तो इसका एक्सेलरेशन मान लेते नीचे की तरफ ए हो जाता है, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत। इस पे फोर्स नीचे लगा कितना, M1G, ऊपर की तरफ टेंशन टी, नहीं T1, इधर टेंशन T1, यहां पर टेंशन लगेगा कितना T2, इधर टेंशन T2। आप बोलोगे सर रस्सी तो सेम है, मासलेस है, फिर टेंशन क्यों बदल गया, क्योंकि बीच में जो पुली है उसके पास मास है, उस पुली को घुमाने के लिए दोनों तरफ अलग अलग टेंशन चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, है ना। नीचे कितना लग रहा है, M2G। पुली के पास अगर मास हो गया तो आप सीधे सीधे दोनों तरफ टेंशन को इक्वल नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करने वाले हैं, अब तीनों की इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले M1 की इक्वेशन लिखते हैं, M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1A। M2 की इक्वेशन लिखता हूं, T2 माइनस M2G इक्वल्स टू M2A। नॉर्मली अपन लोग ये दो इक्वेशन लिखते थे, दोनों को ऐड करते थे, टेंशन कैंसिल हो जाता था, पर अब टेंशन डिफरेंट होने की वजह से कैंसिलेशन नहीं होगा, इसलिए अब हमें इस पुली का लिखना होगा, पुली का इक्वेशन लिखना होगा। पुली क्या कर रहा है, सिर्फ गोल गोल घूम रहा है ना, प्योर रोटेशन है। मान लेते इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, T1 R, उधर की तरफ टॉर्क हो गया, अल्फा के डायरेक्शन का टॉर्क हो गया, माइनस T2 R उल्टा टॉर्क हो गया, इज इक्वल टू I alpha। इसको पर लगने वाला नेट टॉर्क कितना है, T1 R T2। देख रहे हो, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में पर दोनों का टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान से देख लो यहां पे, R T1 R T2, टॉर्क सेम डायरेक्शन में। R T1 किस डायरेक्शन में देखो जरा, R T1 अंदर की तरफ है और R T2 बाहर की तरफ है ना, T1 R अंदर की तरफ है और T2 R बाहर की तरफ है। मैंने अंदर की तरफ वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, अल्फा मैंने, अल्फा का डायरेक्शन मैंने किधर अज्यूम किया, अंदर वाला अज्यूम किया, है ना, कोई दिक्कत। दिस इंप्लाइज T1 - T2 इज इक्वल टू I alpha by R। दिस इंप्लाइज T1 - T2 इक्वल्स टू I कितना है, डिस्क माना गया है ना, तो क्या हो जाएगा, MR² / 2 × α/R, R चला गया। This implies
टी वन माइनस टी टू इज इक्वल टू एम बाय टू आर अल्फा। ये आपका इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू, ये इक्वेशन थ्री, ठीक है। कोई दिक्कत? अब जरा देखो तो वेरिएबल कितने, ए टी वन टी टू और अल्फा, चार वेरिएबल है, इक्वेशन तीन है, एक इक्वेशन और चाहिए ना, कहां से आएगी? कंस्टेंट से। अब इसमें कंस्टेंट, एक नया कंस्टेंट आएगा, कैसे? क्योंकि अब हमें पुली के बारे में बात करें ना, तो इसका अल्फा और एक्सेलेरेशन के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा। अब सोचो अगर ये पुली नीचे आती है एस से, ये घूमेगा थीटा से, तो क्या मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर थीटा। जितनी रस्सी यहां से छोड़ेगा, आर थीटा छोड़ेगा ना, उतना ही नीचे जाएगा। दिस इंप्लाइज वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा, दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा, दिस इज इक्वेशन फोर, ठीक है। अब मुझे इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, बहुत आसान है सॉल्व करना, परेशान मत हो। यहां प्लस टी टू माइनस टी वन, यहां प्लस टी वन माइनस टी टू, तो वन प्लस टू प्लस थ्री कर देते हैं सीधे सीधे, वन प्लस टू प्लस थ्री, जैसे ही किया क्या आया, एम वन जी माइनस एम टू जी इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इंटू ए प्लस एम बाय टू टाइम्स आर अल्फा। अब आर अल्फा कितना है, ए है ना, तो मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज एम वन माइनस एम टू इंटू जी इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू प्लस एम बाय टू टाइम्स ए, है ना, तो एक्सप्रेशन आ गया ना। ठीक है, समझ में आई बात, ये आपका आंसर। कॉपी हो गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े, ओके। अगला एग्जाम्पल नंबर 27, इसको ट्राई करेंगे। क्या दे रखा है, अ पुली हैविंग रेडियस आर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, रेडियस दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे रखा है, अबाउट इट्स एक्सिस इज फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, ये भी दे रखा है। अ स्ट्रिंग इज रैप्ड अराउंड द पुली एंड इज फ्री एंड इट्स फ्री एंड सपोर्ट्स अ ब्लॉक ऑफ मास, यहां स्मॉल एम दे रखा है या कैपिटल एम लिखा है, आप यहीं पे कैपिटल एम कर लो, विच कैन स्लाइड ऑन द प्लेन, ठीक है। इनिशियली द पुली इज रोटेटिंग एट एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट, पुली पहले से ओमेगा नॉट एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, इन अ डायरेक्शन सच दैट ब्लॉक स्लाइड्स अप द प्लेन, कैलकुलेट द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ब्लॉक बिफोर स्टॉपिंग, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक नॉर्मल फोर्स एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन निकाल के फिर सॉल्व करो, दूसरा एनर्जी का यूज करो, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से करूंगा, पहले मैं फोर्स से करता हूं क्योंकि सीखना आपको दोनों है, ठीक है। क्या करेंगे इस पे, फोर्स लगेगा क्या क्या, इधर mg cos थीटा, इधर mg, इधर टेंशन t, इसमें इधर टेंशन t, ठीक है, समझ में आई बात। आप खुद भी देख सकते हो एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ आने वाला है इसका, तो इसका एक्सेलेरेशन मैंने नीचे मान लिया a,
इसका अल्फा ऐसे आ जाएगा, है ना? कोई दिक्कत? अब मैं इसके बारे में क्या लिख सकता हूँ, ब्लॉक के बारे में? ब्लॉक के बारे में लिख सकता हूँ कि एम जी साइन थीटा माइनस टी इक्वल्स टू एम ए, है ना? एम जी साइन थीटा माइनस टी इक्वल्स टू एम ए, ठीक है? इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, रेडियस आर है ना, तो आर इंटू टी टॉर्क हो गया इज इक्वल टू आई अल्फा। और एक और चीज क्या लिख सकता हूं, ए इक्वल्स टू आर अल्फा। देखिए तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है ना? ए इक्वल्स टू आर अल्फा कैसे लिखा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही। दिस इंप्लाइज क्या हुआ, अगर मैं अल्फा की वैल्यू यहां डाल दूं, आर इधर लेके चला जाऊं, तो टू और थ्री को जोड़ के टेंशन टी इज इक्वल टू आई इंटू ए बाय आर या आई बाय आर स्क्वायर इंटू ए, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। अब अगर मैं 1 + 4 कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, टेंशन कट जाएगा, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर इंटू ए। दिस इंप्लाइज जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, एम जी साइन थीटा बाय एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर, ठीक है? ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो अब अगर मैं साइन कन्वेंशन असाइन कर दूं, ऊपर की तरफ प्लस नीचे की तरफ माइनस, तो क्या लिख सकता हूं, यू वेलोसिटी इस ब्लॉक के लिए यू इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर, ठीक है? मुझे स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है, मतलब वेलोसिटी जीरो करनी है और कितना ये बताना है, ठीक है? समझ में आई बात? कोई दिक्कत? क्या करेंगे इसके लिए, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, वी तो जीरो है, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। दिस इंप्लाइज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ दिस एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर, ठीक है? समझ में आई बात? कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, फिर से शुरू से देखो, हम लोग अचीव क्या कर, हमको निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? इसको तो छोड़ो, ये तो बाद में अपन कर ही लेंगे, मेन चीज ये, कुछ नहीं करना है, जो अभी तक करते आए थे ना न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन में, वही चीज लगानी है। एक्स्ट्रा इक्वेशन क्या लिखा नहीं है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है? तो हम लोगों ने ब्लॉक के लिए लिखा एम जी साइन थीटा माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, टेंशन के टेंशन टी इस पर इधर लग रहा है, टॉर्क कितना लगा आर इंटू टी, आर इंटू टी इज इक्वल टू आई अल्फा। और तीसरी क्वेश्चन एक्सेलेरेशन ए इज इक्वल टू आर अल्फा, क्योंकि जितना रस्सी यहां से छोड़ेगा उतना ही तो ब्लॉक नीचे जाएगा, ठीक है? ये तीन इक्वेशन है, तीनों को सॉल्व किया, एक्सेलेरेशन आ गया, एक्सेलेरेशन नीचे है बेटा, इसलिए तो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा। अगर वेलोसिटी भी ऊपर होगा, एक्सेलेरेशन भी ऊपर होगा, तब तो ऊपर चढ़ता ही जाएगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलेरेशन नीचे है, ठीक है? उसके बाद मैंने बोला अगर ऊपर की तरफ वेलोसिटी है तो इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को प्लस मान लेता हूं, एक्सेलेरेशन अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, फिर मैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस लगा दूंगा तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है? समझ में आई बात? इसका एक ऑल्टरनेट मेथड जिससे ये क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा वो है एनर्जी का। यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल, है ना? दिस इंप्लाइज जहां पर भी ब्लॉक इनिशियली, उसी को मैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेता हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो जीरो प्लस के इनिशियल कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी कितना है ओमेगा नॉट आर,
ओमेगा नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर, जो क्या काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू यू फाइनल। ये मान लेता हूं एस डिस्टेंस आगे चला जाता है, एस डिस्टेंस आगे चला गया तो हाइट कितनी बड़ी इसकी, एस साइन थीटा, तो एम जी एस साइन थीटा प्लस के फाइनल, वहां से वापस लौटना है मतलब दोनों रुक चुके हैं जीरो, है ना, समझ में आई बात। इससे आपका एस आ जाएगा इसके बराबर, ठीक है, इतनी जो मेहनत करी वो इतने में आ गया, देख ट्राई करके देख लो, ठीक है। एनर्जी इसीलिए तो यूजफुल होती है ना कि जो जो क्वेश्चन होता है एनर्जी से वो तुरंत हो जाता है ना, कॉपी कर लो। चलो फिर अगला टॉपिक देखते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। देखो भाई रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ वेयर होल मास ऑफ बॉडी कैन बी अज्यूम्ड फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन लिखने वाले को मन करता है कि मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं दूंगा, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकलवाऊंगा जबरदस्ती बिना किसी पर्पस के, उसका कोई सच बताऊं कोई खास यूज है नहीं रेडियस ऑफ गायरेशन का, एक्सेप्ट कि रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है, और अगर रेडियस ऑफ गायरेशन क्वेश्चन में दे दिया गया है तो उसको उससे उसका मीनिंग निकालना, अदरवाइज कोई खास पर्पस नहीं। जैसे एंगुलर मोमेंटम का हमने इतना अच्छा अच्छा पर्पस देखा है ना, टॉर्क का देखा हमने पर्पस, रेडियस ऑफ गायरेशन कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो फालतू का एक और डेफिनेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कुछ लोगों ने बोला नहीं मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज नहीं करूंगा, मैं रेडियस ऑफ गायरेशन यूज करूंगा, ठीक है भाई वही यूज कर तू, ठीक है। इसका क्या मतलब है, कितने डिस्टेंस पर एक्सिस से माना जाए पूरे के पूरे मास को सच दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज ना हो। कहने का मतलब ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा, मान लेते हैं डिस्क है, अब इसका सारा मास आर डिस्टेंस पर तो है नहीं, अगर रेडियस इसका आर है तो डिस्क का मास कुछ जीरो डिस्टेंस पर भी है कुछ आर डिस्टेंस पर भी है, उसके बीच में फैला हुआ है, हमें मानना है कि बताओ कहां पर पूरा का पूरा मास एज्यूम करूं सच दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा डायरेक्टली एक स्टेप में निकल जाए, तो क्या तरीका है, हमें मालूम है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता कितना, कितना होता है एमआर स्क्वायर बाय टू। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन के है, रेडियस ऑफ गायरेशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से, तो मैं क्या बोलूंगा एम आर स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, क्योंकि अगर सारा मास के डिस्टेंस पे होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा एम के स्क्वायर, दिस इंप्लाइज क्या आ गया के इज इक्वल टू आर बाय रूट टू, समझ में आई बात, कोई दिक्कत है ये एग्जांपल था, आप चाहो तो एक एग्जांपल और खुद से कर लो, ये आपका सॉलिड स्फीयर है, ये एक्सिस है, रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है ये बताना है, क्या होगा देखो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना हो जाएगा 2 बाय 5 एम आर स्क्वायर प्लस
2 बाय 5 या 2 बाय 3, 2 बाय 5 एमआर स्क्वायर प्लस एमआर स्क्वायर, कैसे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, दैट इज इक्वल टू 7 बाय 5 एमआर स्क्वायर। देयरफॉर रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए क्या लिख सकता हूं, 7 बाय 5 एमआर स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, दिस इंप्लाइज के इज इक्वल टू आर रूट 7 बाय 5। समझ में आई बात? आसान है, कॉपी कर ले। कॉपी हो गया, आगे बढ़ूं? ओके, तो अगला टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम में दो चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, एक होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। गलत लिख दिया गया है, इक्वेशन लिख दिया गया है इक्विलिब्रियम की जगह। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, ये कब होगा, जब नेट फोर्स जीरो हो, एक्सेलरेशन जीरो होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या बोला जाएगा इसको, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। हमें मालूम है ये इक्विलिब्रियम कितने तरीके के होते हैं, तीन, कौन कौन से, अनस्टेबल, स्टेबल और न्यूट्रल। अगर मैं ये वाला सरफेस पे यहां पर एक कंचे को रख दूं, कंचा मतलब मार्बल को रख दूं, वैसे तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, नीचे mg, ऊपर नॉर्मल बैलेंस हो गए, पर अगर इसको जरा सा भी स्लाइड किया तो ये इधर आ जाएगा, इधर स्लाइड किया तो इधर आ जाएगा, ये कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें बैलेंस करना पड़ता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। वहीं ये क्या है आपका, यहां पर अगर कंचे को रखूंगा तो इधर लेके जाऊंगा तो ये वापस अपनी जगह जाएगा, इधर लेके जाऊंगा तब भी वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ में आई बात? वहीं अगर मैं इस केस में एक ब्लॉक रख दूं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो यहां पर भी इक्विलिब्रियम में, स्लाइड कर दिया तो यहां पर भी इक्विलिब्रियम में, और स्लाइड कर दिया यहां पर भी इक्विलिब्रियम में, इधर लेके आया तो यहां पर भी इक्विलिब्रियम में, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। ये क्या है, स्टेबल। ठीक है, समझ में आई बात? अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जिसमें टॉर्क जीरो होता है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब नेट टॉर्क जीरो होगा। ठीक है, नेट टॉर्क जीरो का मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, मतलब इसमें आपका अल्फा जीरो करना है, अभी चीजें अपने आप घूमनी नहीं चाहिए। ठीक है, चीजें अपने आप घूमनी नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं उस रॉड के बारे में बात करूं जिसको हमने लटकाया था, वो रॉड जब इस सिचुएशन में था तो इसके ऊपर नीचे mg लग रहा है, इसका टॉर्क कितना है, जीरो। ये क्या है, इक्विलिब्रियम है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको स्लाइड कर दूं आगे की तरफ, ये थीटा अगर इधर है, mg तो नीचे लग रहा है, टॉर्क बताओ तो किधर आया, टॉर्क किधर आया, मतलब ये वापस अपनी जगह आ जाएगा, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। समझ में आई बात? वहीं अगर मैं इसी रॉड को ऊपर से हिंज करने की जगह नीचे से हिंज कर दूं, कैसा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, इसको इधर किसका है तो उधर, इधर किसका है तो इधर, ये कैसा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको बैलेंस करना पड़ेगा तब जाके ये टिकेगा अपनी जगह पे। वहीं अगर हम इसी रॉड को लें और बीचों बीच से हिंज कर दें, तो एमजी तो यहीं पे लग रहा है, हिंज के लोकेशन पे लग रहा है, अब रॉड ऐसे हो, ऐसे हो, कैसे भी रख दो, टॉर्क कितना है, जीरो। इसको क्या बोलेंगे,
न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, है ना भाई? देख इधर समझो, यहां देखो ये क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैंने डिस्प्लेस किया तो वापस स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ चला गया, है ना? इसको अगर मैं ऐसे रखना चाहता हूं तो बैलेंस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ, या ना? करना पड़ेगा। ये कैसा इक्विलिब्रियम था? अनस्टेबल। इसमें अगर कोई हल्का सा भी इसको स्लाइड कर देगा तो ये मैं वापस बैलेंस कर लिया, मैं तो होशियार हूं। ठीक है, पर समझ रहे हो ना बात को, ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर मैं किसी तरीके से बीचों बीच वाला पॉइंट कोई सिलेक्ट कर लूं, कुछ सिलेक्ट कर लूं जो सेंटर ऑफ मास था, याद है, दुना था, अब इसको जैसे रख दो वैसे इक्विलिब्रियम में, ये कैसा इक्विलिब्रियम है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। समझ में आई बात? तो इस तरीके से तीन इक्विलिब्रियम रोटेशन के भी होते हैं। ठीक है, चलो कॉपी कर लो। इन द फॉलोइंग डायग्राम द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, वी नीड टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन दिस एंगल थीटा वन एंड दिस एंगल थीटा टू, एंड वी ऑल्सो नीड टू फाइंड दिस टेंशन टी टू। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहां पे? ये रॉड है जिसका मास है m, लेंथ है l, इधर टेंशन T1 लग रहा है, इधर टेंशन T2 लग रहा है। ठीक है, अगर मैं ये रॉड इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है? इक्विलिब्रियम का मतलब है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है प्लस रोटेशनल भी है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या करते हैं? नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो, मतलब क्या हो गया? समेशन एफ एक्स जीरो, समेशन एफ वाई जीरो, समेशन एफ जेड जीरो। और टॉर्क रोटेशनल का मतलब क्या हो गया? नेट टॉर्क जीरो। समझ में आई बात? ये दो काम करने होंगे। अब देखो इसके ऊपर, मतलब मुझे फोर्स की भी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, टॉर्क की भी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। यहां पर देखिए नीचे क्या लग रहा है? mg। इधर क्या लग रहा है? t1। इधर लग रहा है t2। तो पहले फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इधर कितना हुआ? t1 cos थीटा 1। इधर कितना हुआ? t1 sin थीटा 1। इधर अगर टेंशन t2 लग रहा है तो इधर कितना हो जाएगा? t2 cos थीटा 2। और इधर कितना हो जाएगा? t2 sin थीटा 2, है ना? तो मैं क्या बोल सकता हूं कि t2 sin थीटा 2 इज इक्वल टू t1 sin थीटा 1, क्योंकि fx इज इक्वल टू 0 करना है। दूसरी चीज क्या बोल सकता हूं कि t1 cos थीटा 1 प्लस t2 cos थीटा 2 इक्वल्स टू mg, है ना? अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखता हूं, देखो क्या करना होता है, ध्यान दीजिए, मैंने आपको सिखाया था कुछ। अगर नेट फोर्स जीरो है, अगर नेट फोर्स जीरो है तो अगर मैं किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर दूं तो सारे पॉइंट्स के अबाउट टॉर्क जीरो अपने आप हो जाएगा। मुझे सोचने की जरूरत नहीं कि मैं टॉर्क जीरो इसके अबाउट लिखूं, किसके अबाउट लिखूं, किसके अबाउट लिखूं। किसके अबाउट लिखना होगा? जिसके अबाउट टॉर्क लिखना आसान होगा, है ना? अब टॉर्क लिखना किसके अबाउट आसान होगा, देखिए आप ये वाला पॉइंट ले लोगे तो T1 का टॉर्क नहीं लिखना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट ले लोगे तो T2 का टॉर्क नहीं लिखना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट ले लोगे तो mg का टॉर्क नहीं लिखना पड़ेगा। कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो। मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए जो आपको थीटा 1 और थीटा 2 में रिलेशन चाहिए तो आप इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखो। ठीक है, अगर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखता हूं तो ये लेंथ अगर इसकी एल है तो इधर कितना एल बाय टू, इधर भी एल बाय टू। इस पॉइंट के अबाउट T1 साइन थीटा 1 का टॉर्क जीरो, T2 साइन थीटा 2 का टॉर्क जीरो, mg का टॉर्क जीरो, बचा क्या? T1 cos थीटा 1 का टॉर्क और T2 cos थीटा 2 का टॉर्क। तो मैंने इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखा, क्या लिखा? इसका टॉर्क अंदर की तरफ, इसका टॉर्क बाहर की तरफ, है ना? T1 cos थीटा 1 into L by 2 किधर हुआ ये देखो तो जरा,
डायरेक्शन बताओ, अंदर या बाहर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है, नहीं है? आर इंटू टी वन कॉस थीटा वन, राइट हैंड, कैसे घुमाएगा ये? ऐसे घुमाएगा ना यार, ये फोर्स, ये वाला फोर्स कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो क्लॉकवाइज लिख दो, क्लॉकवाइज अंदर होता है, नहीं तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ। ये वाला फोर्स कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस कर देता हूं, माइनस एल बाय टू इंटू टी टू कॉस थीटा टू। अब कई लोग सोच रहे हैं सर आपने एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव क्यों बोला? क्योंकि मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव बोला इसलिए, ठीक है? अगर मैं इसको निगेटिव बोलता तो इसको पॉजिटिव बोलता, दोनों में से एक ही पॉजिटिव होगा ना, इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया? टी वन कॉस थीटा वन इक्वल्स टू टी टू कॉस थीटा टू, है ना? कोई दिक्कत? इसको मैं उल्टा करके लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज टी टू कॉस थीटा टू इक्वल्स टू टी वन कॉस थीटा वन, ये बन गया हमारा इक्वेशन थ्री। अब मैंने इसको उल्टा करके क्यों क्यों लिखा मालूम है? क्योंकि यहां पर है टी टू साइन थीटा टू, टी वन साइन थीटा वन। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो टी टू टी टू कैंसिल हो जाएगा, टी वन कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने किया वन डिवाइडेड बाय थ्री इंप्लाइज टेन थीटा टू इक्वल्स टू टेन थीटा वन, दिस इंप्लाइज थीटा टू इक्वल्स टू थीटा वन। दोनों एंगल्स इक्वल होंगे तो होंगे, कहानी खत्म। और दोनों एंगल्स इक्वल है मतलब कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू इक्वल है, दिस इंप्लाइज टी वन इक्वल्स टू टी टू है ना? तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट के लिए देखो, सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे? सेकंड पार्ट में इतने में सॉल्व कर लूंगा ताकि आप मेरे को अलग से ना करना पड़े, मतलब आप एक बार में कॉपी कर पाओ। टी वन इक्वल्स टू टी टू तो आ चुका है, अब मैं लिखूंगा इसको, यूज कर लूंगा मैं इक्वेशन नंबर टू में, ठीक है? थीटा वन इक्वल थीटा टू, टी वन इक्वल टी टू, यूजिंग थीटा टू इक्वल्स टू थीटा वन एंड टी टू इक्वल्स टू टी वन इन इक्वेशन नंबर टू, हमें क्या मिल जाएगा? टू टी टू कॉस थीटा टू इक्वल्स टू एम जी, दिस इंप्लाइज टी टू इज इक्वल टू एम जी अपॉन टू कॉस थीटा टू, लिख दो चाहे थीटा वन लिख दो, क्योंकि दोनों तो बराबर ही हैं। समझ में आई बात? इतने में आपका आंसर आ गया। बहुत डिफिकल्ट है क्या? डिफिकल्ट है, ठीक है, तो कॉपी कर लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलो अरे यार भाई, ये पूछ लेंगे ना सवाल केबीसी में, आधे लोग तो वहीं कहीं आउट है, है ना? तब तो पक्के से गए। जो भी है देखो, आज के एक्सपर्ट अच्छे। चलो ध्यान दो, क्या दे रखा है? अ रॉड इज रेस्टिंग ऑन अ रफ फ्लोर विथ सपोर्ट ऑफ ए स्मूथ वॉल एज शोन इन द फिगर, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बाय फ्लोर ऑन द रोड। देखिए क्या बोला है, फ्लोर रफ है, ये वॉल स्मूथ है, ठीक है? वॉल स्मूथ है, फ्लोर रफ है, ये एंगल थीटा मानना पड़ेगा, लेंथ एल मानना पड़ेगा, मास एम मानना पड़ेगा, उसको ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आपसे कहा गया है ये रॉड अगर इक्विलिब्रियम में है तो बताओ ये फ्लोर इस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, ठीक है? इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या, अल्टीमेटली नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो, है ना? तो मैं सबसे पहले इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस ड्रॉ कर लेता हूं। सेंटर ऑफ मास पे नीचे लगेगा कितना, mg। वैसे आप लोगों को पता है कि mg जो है सेंटर ऑफ मास पे नहीं लगता, कहां लगता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे।
पर क्योंकि हम यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड मान रहे हैं, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करेंगे। यहां ये स्मूथ वॉल है तो कोई फ्रिक्शन फोर्स लगा नहीं सकता, सिर्फ कौन सा फोर्स लगा सकता है, नॉर्मल फोर्स। ये नीचे जा रहा है, नीचे जाने से रोकने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स चाहिए चाहिए होगा, ये भी नॉर्मल, तो इसको N1 बोल देता हूं, इसको N2 बोल देता हूं। अब देखो ये वॉल अगर N1 फोर्स लगाएगा तो ब्लॉक ये रॉड उधर स्लाइड कर जाएगा, उसको आगे जाने से रोकने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन स्टैटिक है कि काइनेटिक है? हाँ स्टैटिक है, इक्विलिब्रियम है ना, स्टैटिक है, इसलिए फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन टू नहीं लगेगा। अब ये इक्विलिब्रियम है इसलिए इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो, तो मैं लिख रहा हूं पहले कि समेशन, अगर मैंने हॉरिजॉन्टल को एक्स मान लिया और वर्टिकल को वाई मान लिया तो समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो इंप्लाइज N1 माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू जीरो, दिस इंप्लाइज फ्रिक्शन इज इक्वल टू N1, है ना। अगला लिखूंगा समेशन FY इक्वल्स टू जीरो इंप्लाइज MG इक्वल्स टू N2, N2 माइनस MG इक्वल्स टू जीरो, है ना, E1 का इक्वेशन 2। तो मुझे N2 तो पता चली गया कितना है ये MG, इसको सॉल्व ही नहीं करना, N1 और फ्रिक्शन बराबर ही है, तो फ्रिक्शन को मैंने यहां लिख दिया N1। तो बेसिकली अननोन क्वांटिटी तो एक ही बची ना, N1, और तो कुछ बचा ही नहीं। अब उसके लिए मेरे को एक इक्वेशन और चाहिए होगी, वो इक्वेशन किसकी होगी, टॉर्क की। अब देखो यहां पर थोड़े सी समझदारी आपको बहुत टाइम बचा सकती है, बहुत मतलब ये क्वेश्चन तो छोटा है पर बड़े क्वेश्चन में अगर आप यही समझदारी लगाते जाओगे तो आपका कई क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम बचेगा। समझदारी की बात क्या है कि टॉर्क जीरो तो करना है, किसके अबाउट जीरो करना है, किसी के अबाउट भी कर दो, मतलब आपके पास च्वाइस है, और जब आपके पास च्वाइस होती है तभी तो समझदारी का काम आता है। आपके पास चॉइस है कि किसके अबाउट टॉर्क जीरो किया जाए, तो जवाब क्या है, जिसके अबाउट टॉर्क लिखना आसान होगा उसके अबाउट टॉर्क जीरो करेंगे। मैंने देखा अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करता हूं तो मेरे को ना तो N2 का टॉर्क लिखना ना फ्रिक्शन का टॉर्क लिखना है ना, मुझे सिर्फ MG और N1 का टॉर्क लिखना है, एक इक्वेशन मेरा काम हो जाएगा। टॉर्क जीरो करने के लिए या टॉर्क की इक्वेशन लिखने के लिए या एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन लिखने के लिए कई चॉइसेस होती हैं। एक चॉइस होती है हमेशा सेंटर ऑफ मास, कई क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास से ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। एक और चॉइस होती है जिसके अबाउट टॉर्क लिखना आसान पड़े, जिसके अबाउट टॉर्क कम से कम फोर्सेस का लिखना पड़े, तो मैंने यहां पर लिख के जिसके अबाउट टॉर्क कम से कम फोर्सेस का लिखना पड़े, दैट इज N2 और फ्रिक्शन। N2 और फ्रिक्शन का टॉर्क नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ N1 और MG का टॉर्क लिखना पड़ेगा। तो मैंने बोला इस पॉइंट को अगर मैं A बोल दूं, इस पॉइंट को B बोल दूं, तो लिख रहा हूं टॉर्क अबाउट A इक्वल्स टू जीरो इंप्लाइज पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क है किसका, N1 का कितना है, ये लेंथ अगर L है तो ये हाइट कितनी है, L साइन थीटा, ये रहा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, L साइन थीटा। तो L साइन थीटा इंटू N1 किस डायरेक्शन में, ये ऐसे है ना, देख लो ये N1 फोर्स इस पॉइंट को कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा ना, तो डायरेक्शन क्या हो गया अंदर। और MG का टॉर्क इधर लगेगा, उल्टा लगेगा, ये ऐसा घुमाएगा ना MG, तो माइनस कर देता हूं बाहर वाले डायरेक्शन को, फिर से मैंने माइनस लिख दिया, ठीक है। MG का टॉर्क कितना होगा, ये कहता है L/2 है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, L/2 cos थीटा, तो L/2 cos थीटा इंटू MG इक्वल्स टू जीरो, है ना, कोई दिक्कत क्या। अब भाई सेंटर ऑफ मास है ना, यहां से कितनी डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ मास, दिस इंप्लाइज N1 इज इक्वल टू MG cot थीटा बाय 2, देख रहे हो MG cot थीटा बाय 2 आ रहा है ना, सॉल्व करके देख लो यार, दिस इंप्लाइज फ्रिक्शन इज इक्वल टू N1 इज इक्वल टू MG cot थीटा बाय 2, ये आपका आंसर है। समझ में आई बात, ये क्वेश्चन या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन IIT में पिछले 15-20 सालों में 4 या 5 बार आ चुका, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या, एक बार और
देखो सबसे पहले तो फोर्सेज अज्यूम कर लिए, इस दीवार ने इधर लगाया N1, फ्लोर ने ऊपर लगाया N2, Mg नीचे लग रहा है। अब इस पे नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल हो गया है इस डायरेक्शन में, तो उसको बैलेंस करने का एक ही तरीका, फ्रिक्शन इधर लगाओ। अब इसके बाद क्या किया मैंने, एक्स डायरेक्शन का फोर्स जीरो, मतलब N1 - friction = 0 है ना। एक्स डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है, एन वन इधर, फ्रिक्शन इधर। वाई डायरेक्शन का फोर्स जीरो, मतलब N2 - mg = 0। ठीक है, तो दो ही क्वेश्चन बन गई। तीसरी क्वेश्चन टॉर्क की लिखी है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो, मतलब इसका टॉर्क और इसका टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर दे, बस खत्म। ठीक है, कॉपी कर लो। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट था। देखो डिफिकल्ट अगर लग रहा है तो इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने ऐसे क्वेश्चन पहले नहीं किए। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आपको क्या करना है, बेसिक काम करना है। नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो, नेट फोर्स निकाल के इक्वल टू जीरो करो, नेट टॉर्क निकाल के इक्वल टू जीरो करो। एक्स डायरेक्शन का फोर्स जीरो, वाई डायरेक्शन का फोर्स जीरो, टॉर्क जीरो, खत्म। इतना ही तो करना है। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन हमेशा बहुत आसान होते हैं, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक क्या है, हमारा अगला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर टाउ इज इक्वल टू डीएल बाई डीटी है, इस केस में अगर टॉर्क जीरो कर देंगे तो डीएल बाई डीटी कितना हो जाएगा, जीरो। दैट मीन्स डीएल जीरो, दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम में चेंज जीरो, दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। बिल्कुल वैसे जैसे नेट फोर्स जीरो होने पे मोमेंटम कंजर्व होता है, वैसे ही नेट टॉर्क जीरो होने पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। अब इसी का, इसमें कुछ और थ्योरी पढ़ने से पहले हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे क्लास में। बशीर जी वही वाला करना है, आइए। हाँ पता है लड़कों, आप लोगों को लड़कियां घुमाती हैं, मुझको बशीर जी घुमा रहे हैं। ठीक है, क्या क्या जब मैं हाथ पैर पास में लेके आया तो एंगुलर वेलोसिटी एकदम से इंक्रीज हुई कि नहीं हुई, ऑब्जर्व कर पाए इस चीज को, कोई बता सकता है कैसे हुआ है? मुझे चक्कर आ रहे, जल्दी बताओ। हाँ कोई बताएगा मुझको कि ऐसा कैसे हुआ, मेरी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ कैसे गई? घटना तो समझ में आता है, बढ़ी कैसे? घटने में तो लगता है कि आपका फ्रिक्शन वगैरह किसी और जगह एनर्जी का लॉस हो गया होगा, इस वजह से एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। यहां एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कैसे हुई अपने आप, टॉर्क तो कोई लगाया ही नहीं, क्या हुआ? देखिए टॉर्क तो है नहीं, वैसे है फ्रिक्शन हल्का फुल्का है यहां पे एक्सिस पे, इसलिए हल्का टॉर्क है, पर फिर भी टॉर्क थोड़ा कम है। अब जब मैं हाथ पैर ऐसे फैला के बैठा था तो मास जो है एक्सिस से ज्यादा डिस्टेंस पे था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था। अब आपने मेरे को घुमाया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, या बशीर जी ने मुझे घुमाया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, जब मैं एंगुलर वेलोसिटी या ओमेगा नॉट बोल देता हूं उसको, तो मेरा इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट जो कि बड़ा है इनटू ओमेगा नॉट, एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब जब मैं हाथ पर पास में लेके आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया, टॉर्क लगा नहीं, मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व मतलब आई नॉट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू नया आई इनटू ओमेगा, आई डिक्रीज हो गया तो ओमेगा को इंक्रीज होना ही पड़ेगा। समझ में आई बात, आया ना? इसके बहुत जबरदस्त एप्लीकेशंस हैं। एक एप्लीकेशन तो बहुत ही सुंदर है, आइस स्केटिंग सुना है कभी? उसमें लड़की यही तो करती जो मैं कर रहा था, वो हाथ पैर फैला के गोल गोल घूमती है, फिर एकदम से सिकोड़ लेती है, जोर से चक्कर घिन्नी की तरह घूमने लग जाती है, राइट? हाँ है ना? वो कैसे हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम की वजह से हो रहा है। बड़े स्केल पे सोचा जाए तो हम लोगों ने अर्थ के अंदर गड्ढा किया, अंदर से स्टील निकाला, उसकी बिल्डिंग बना दी, मतलब अर्थ के सेंटर के पास से मास को निकाला और सेंटर के दूर जाकर रख दिया,
क्या हुआ, अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। हम लोगों ने पेट्रोल जलाया, हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग करी, जो आइस नॉर्थ पोल पे थी साउथ पोल पे थी उसको मेल्ट किया, वो आइस मेल्ट होकर इक्वेटर की तरफ आई, एक्सिस से दूर आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो क्या हुआ, हाँ, एंगुलर वेलोसिटी घटेगी, टाइम पीरियड बढ़ेगा, दिन की लंबाई बढ़ा दी हम लोगों ने। अब दिन 24 घंटे के नहीं होते, उससे बड़े होते हैं, 24 घंटे एंड 0.001 सेकंड। ठीक है, अबे तो इतना अर्थ बहुत बड़ा है बे, ऐसा क्या कर दिया हम लोगों ने। जो भी है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सा कॉन्सेप्ट है, और अब हम इसी कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये क्या कहता है, हमें मालूम है कि टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाई डीटी होता है, दैट मींस अगर नेट टॉर्क जीरो है तो एल वेक्टर कांस्टेंट रहेगा। इसको क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस पर इसकी थ्योरी तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये डायग्राम में थोड़ा रिंग बना दिया है, एक्चुअली में डिस्क है, दोनों ऊपर डिस्क है नीचे भी डिस्क है, ये रिंग नहीं है डिस्क है। ठीक है, क्या बोला गया है, अ डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम रेडियस कैपिटल आर, ये रेडियस कैपिटल आर का डिस्क है, मास इसका कैपिटल एम है, जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से घूम रहा है गोल 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 गोल। एक छोटा डिस्क है जिसका रेडियस है स्मॉल आर, मास है स्मॉल एम, इसको हमने धीरे से आहिस्ता से नीचे वाले डिस्क के ऊपर रख दिया। ठीक है, पहले वाला आराम से घूम रहा था, ऊपर वाले को बस रख दिया। आफ्टर सम टाइम बोथ डिस्क स्टार्ट टू रोटेट विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी, दोनों साथ साथ घूमने लग जाएंगे ड्यू टू फ्रिक्शन। पहले थोड़ा सा स्लाइडिंग होगा, बट धीरे धीरे स्लाइडिंग बंद हो जाएगी, दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूमने लग जाएंगे। पूछा गया है फाइंड द न्यू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, क्या करेंगे, हम बोलेंगे टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इंप्लाइज आई नॉट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू नया आई इंटू नया ओमेगा, दिस इंप्लाइज आई नॉट कितना था, डिस्क था रेडियस आर का मास एम का, तो एम आर स्क्वायर बाय टू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू नया आई कितना हो जाएगा, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएगा, कैपिटल एम कैपिटल आर स्क्वायर बाय टू प्लस स्मॉल एम स्मॉल आर स्क्वायर बाय टू इंटू नया ओमेगा, दिस इंप्लाइज नया ओमेगा इज इक्वल टू कैपिटल एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट अपॉन कैपिटल एम आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एम स्मॉल आर स्क्वायर। समझ में आई बात, ये क्वेश्चन 3 साल पहले आईआईटी में आया। ठीक है, कॉपी कर लो। कॉपी हो गया, अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ माउस ऑफ मास स्मॉल एम इज सिटिंग, नहीं बोलना चाहिए रेस्टिंग बोलना चाहिए, रेस्टिंग एट द एज ऑफ अ सर्कुलर टर्न टेबल। टर्न टेबल समझते हो ना, जो टेबल घूमती है, of moment of inertia I and radius R. The mouse starts to run along the circumference of the table with velocity V relative to table. We need to find the angular velocity acquired by the table. ठीक है, क्या होगा देखिए, ये टेबल थी, टॉप भी बना रहा हूं, इसके कोने पे एक चूहा था, इसका moment of inertia I है, radius इसका आर है, इस चूहे का मास स्मॉल एम है, सब कुछ रेस्ट पे, तो इसमें एंगुलर मोमेंटम कितना है, जीरो। फिर जब चूहा दौड़ने लगा तो चूहा
प्लस स्टेबल सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा क्या? फोर्स तो लगा, पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा। तो ये चूहा है, ये दौड़ेगा उधर की तरफ, तो फ्रिक्शन की वजह से इसको पीछे की तरफ पुश करेगा, तो ये ऐसे घूमने लग जाएगा, चूहा उधर जाएगा। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी मान लेता हूं ओमेगा हो गई, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वी विद रिस्पेक्ट टू टेबल है, तो क्या हो जाएगी? वी माइनस ओमेगा आर। समझ रहे हो कैसे आया वी माइनस ओमेगा आर? जैसे वी इसके रिस्पेक्ट में, टेबल के रिस्पेक्ट में, और टेबल की वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा आर है ना, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वी माइनस ओमेगा आर। समझ में आई बात? ओके, अब हम क्या बोलेंगे, इसका नया एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? अगर मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लूं या एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लूं, तो इसका डिस्टेंस अभी भी आर है, इसका मास अभी भी एम है, एम वी आर होता है ना, आर इंटू एम वी, तो आर इंटू एम टाइम्स वी माइनस ओमेगा आर, ये हो गया चूहे का एंगुलर मोमेंटम, है ना? चूहे का एंगुलर मोमेंटम इतना ही है ना, लेकिन डायरेक्शन क्या है इसका? बाहर की तरफ। और इसका कितना है? माइनस आई ओमेगा टेबल का। अब एल इज इक्वल टू एल नॉट करना है, इंप्लाइज क्या हुआ ये? एल इज इक्वल टू एल नॉट का मतलब क्या हो गया? आर टाइम्स या एम आर टाइम्स वी माइनस ओमेगा आर इज इक्वल टू आई ओमेगा, है ना? दिस इंप्लाइज एम वी आर इज इक्वल टू आई प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा, दिस इंप्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू एम वी आर अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। समझ में आई बात? नहीं आया? अबे ये समझ में आया? उस डायरेक्शन में कैसे जाएगा भाई? चूहा आगे जाएगा तो टेबल तो पीछे जाएगी ना, चूहा आगे कैसे गया? टेबल भी पीछे की तरफ फोर्स लगा के, ठीक है? समझ में आ गया? अब नहीं आया भाई? देख, टेबल के रेस्पेक्ट में वी है, टेबल की कितनी है? तो पीछे की तरफ ओमेगा आर। चूहे की इसके रेस्पेक्ट में वी है, तो कितनी हो जाएगी वेलोसिटी? वी माइनस ओमेगा आर। अरे यार, रिवर प्रॉब्लम याद करो थोड़ा सा, नदी के अपोजिट डायरेक्शन जाएगा आदमी तो क्या हो जाएगी इसकी वेलोसिटी? वी माइनस ई होगी। तो ओमेगा आ गया एम वी आर अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। समझ में आया सब कुछ? क्या बोला गया है? अ डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है? एन इंसेक्ट ऑफ मास एम इनिशियली सिटिंग एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द डिस्क स्टार्ट्स टू क्रॉल स्लोली टुवर्ड्स द सेंटर विद स्पीड वी, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क आफ्टर टाइम टी। क्या बोला है? डिस्क है जिसका मास एम है, रेडियस आर है, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, या ओमेगा नॉट बोल देता हूं उसको, इसको ओमेगा नॉट कर देते हैं क्वेश्चन में, ओमेगा नॉट से घूम रहा है। इसके सर्कमफ्रेंस पे एक कीड़ा बैठा है जिसका मास है स्मॉल एम, ठीक है? कोई दिक्कत? तो इसका मोमेंट, इसका फिर क्या हुआ, ये कीड़ा क्रॉल करते 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 धीरे धीरे सेंटर की तरफ आने लग गया, रेडियल डायरेक्शन, मतलब विद रिस्पेक्ट टू डिस्क रेडियल डायरेक्शन में, वैसे तो गोल गोल घूमते आएगा ना। We need to find the angular velocity of disk after time t. ये velocity v से इधर जा रहा है, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे, इसका initial angular momentum l naught कितना हो जाएगा? mr square by 2 omega naught plus कीड़े का angular momentum, कीड़ा भी तो साथ में घूम रहा था ना, कितना हो जाएगा? इसकी velocity कितनी है? omega r। तो
आर टाइम्स एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है ना, पी कितना है आर इंटू एम ओमेगा, समझ में आया? कैसे लिखा, आर क्रॉस पी, पी कितना है मास इंटू एंगुलर मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है ओमेगा आर, ठीक है कोई दिक्कत? दैट इज इक्वल टू या ओमेगा नॉट एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस स्मॉल एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट, ये हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, समझ में आया सबको? बोला टाइम टी के बाद कितना होगा, देखिए टाइम टी के बाद वो जो कीड़ा है यहां से वी टी डिस्टेंस इधर आ गया, ये डिस्टेंस कितना बचा आर माइनस वी टी, है ना, मान लेते इस वक्त इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा, तो नया एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, एल इज इक्वल टू डिस्का उतना ही रहेगा एम आर स्क्वायर बाय टू इंटू नया ओमेगा, लेकिन ये जो कीड़ा है पास में आ गया है, इसकी वेलोसिटी भी घट गई है, कीड़ा पास में भी आ गया है, तो प्लस आर माइनस वी टी इंटू एम टाइम्स ओमेगा नॉट आर माइनस वी टी, है ना, सेम टू सेम चीज लिखी है, बस आर की जगह आर माइनस वी टी करते हैं दोनों जगह। दिस इंप्लाइज नया एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू ओमेगा नॉट नहीं आएगा, ओमेगा आएगा ना इस बार, एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस एम आर माइनस वी टी का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब क्योंकि कोई टॉर्क तो लग नहीं रहा, कोई फोर्स तो लगाया नहीं एक्सटर्नल हम लोगों ने, कोई टॉर्क लगा नहीं है, इसलिए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम सेम होगा, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस एम आर माइनस वी टी का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस स्मॉल एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट। दिस इंप्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस स्मॉल एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट अपॉन कैपिटल एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस स्मॉल एम आर माइनस वी टी का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर है। क्या ये बहुत डिफिकल्ट था? नहीं ना, तो एंगुलर मोमेंटम वाला टॉपिक भी हम लोगों ने अभी खत्म कर लिया, कॉपी कर लो।